हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, लगातार आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया जा रहा है। सीटेट दिसंबर 2019 का हम लोग ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसके 30 क्वेश्चन हमने देख लिए थे, बचे हुए जो 30 क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर आज के। 61 कह रहा है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा जाता है? आपको जवाब देना है। तो देखिए, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च नहीं, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना ये भी नहीं है, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जा सके। बिल्कुल ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। कोस्टा रिका की बात आई है, इसके बारे में जान लीजिएगा। ये मध्य अमेरिका का एक देश है। कहाँ का है? मध्य अमेरिका का एक देश है जो आपको एनसीईआरटी में बताया गया है, ठीक है। यहाँ की जो सरकार है वो सबसे स्थिर और लोकतांत्रिक सरकार के रूप में जानी जाती है, ठीक है ना। चलिए और एक चीज़ जानिएगा, जो कोस्टा रिका सबसे स्वस्थ देशों में से एक माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य को ज़्यादा प्राथमिकता देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन है 62। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। 62 का आपको राइट जवाब देना है। गाड़ियों में नहीं, कार्यस्थलों पर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्यस्थलों पर। चलिए आगे बात करते हैं कुछ भारत में उच्चतम न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। पहली चीज़ है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 1997 में भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए विशेष दिशा निर्देश तैयार किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 63। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? 63 का राइट जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा? विधानसभा के सदस्य नहीं, संसद के सदस्य नहीं, केंद्र सरकार। क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं। इस एक चीज़ और आपको बता, जो विधानसभा सदस्य हैं इनको MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। विधानसभा के निर्वाचित या मनोनीत सदस्य होते हैं। विधानसभा का विधायक सीधे भारतीय जनता द्वारा चुना जाता है, जो अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में, अपने जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, याद रखिएगा। एक चीज़ है, संसद के सदस्य का मतलब निर्वाचित या मनोनीत। मनोनीत कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों के सदस्य। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, याद रखिएगा। इसमें एक शब्द आया है अटॉर्नी जनरल। क्या आया है? अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ये सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? 64 का आपको राइट जवाब देना है, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। तो कौन नहीं है बताना है, पटवारी है तो जो है वो गलत हो जाएगा, नगर निगम वार्ड काउंसलर ये शहर में होता है, तो बाकी आपके सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं अगले क्वेश्चन के क्या क्या इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। 65 कह रहा है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके बसु निर्देश क्या है? डीके बसु निर्देश के बारे में बताना है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, बिल्कुल गलत है। बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के निर्देश, गलत है। घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश, गलत है। चौथा ही आपका सही हो जाएगा, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े हुए निर्देश। ठीक है, चलिए किस राज्य के मामले में दिया था इन्होंने, ये भी याद रखिएगा, बंगाल राज्य के मामले में दिया था। ठीक है ना, क्या क्या कहा था, पुलिस की स्पष्ट पहचान, ज्ञापन और संपुष्टि, दोस्तों और रिश्तेदारों को बताया जाए, कानूनी सहायता दी जाए, अन्य मुख्यालयों में भी संपर्क किया जाए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 66 क्या कह रहा है, वन अधिकार अधिनियम या वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है, आपको जवाब देता है। तो हो जाएगा अनुसूचित जनजातियां, क्या हो जाएगा, अनुसूचित जनजातियां। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है, बताइए 67 का राइट जवाब दीजिए, द्वितीयक स्रोत का साधन क्या है? भारत का संविधान, नहीं। जनगणना रिपोर्ट 2011, नहीं। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रिकॉर्ड, नहीं। हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए NCERT के इतिहास की पुस्तक, क्योंकि इसको किसी दूसरे ने लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। 68 पर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए, ठीक है। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान के कक्षाओं में तनाव को कम करेगा, ठीक है। दोनों कथन ए और बी सही हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 69 पर क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, गलत है। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों को बोध कराना, ठीक है, बिल्कुल आपका यही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 69 के बाद चलते हैं 70 पर और देखते हैं 70 का राइट जवाब, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको 70 का राइट जवाब देना है, क्या होगा बताइए, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण, जहां याद करना आ गया वो गलत है, शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने, शिक्षार्थी को वर्गीकृत करने की बात गलत है, शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाना ये भी गलत है, तो चौथा राइट जवाब हो जाएगा, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वो प्रयासरत रहें। चलते हैं 71 पर, 71 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा, करा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों का एक प्रभावशाली शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं, ठीक है, फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति प्रेरित करती हैं, ठीक है, फिल्में ऐसी कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं, ठीक है,
फिल्में एक वास्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से, ये गलत है, एक ही तरीके से नहीं अनेक तरीके से विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ए बी सी सही है तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 72 पर चलते हैं, 72 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में कथन कौन सा सही है? मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, ठीक है। चिरकाल से उत्तर कोशला सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया, गलत है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक दो आयामी दुनिया में रहते हैं, गलत है। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है, तो डी भी आपका गलत हो जाएगा। राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? केवल ए आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 73 की। चलिए 73 पर चलते हैं। 73 क्या कह रहा है? शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए? विषय वस्तु में विविध संस्कृति या सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें, ठीक है। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना, ये गलत है। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण एवं अनुभव को कक्षा में साझा करने के मौका देना सही है, तो दूसरा राइट जवाब हो जाएगा, ए और सी सही है। 74 पर चलते हैं। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, ठीक है। अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, ठीक है। एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, ठीक है। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए, गलत है। तो ए बी सी आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। 75 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? 75 कह रहा है दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों, ठीक है ना, के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? आपको राइट जवाब देना है क्या होगा? यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, ठीक है। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों, क्या करेंगे भैया उसको जब दिखता ही नहीं, तो ये तो गलत है। मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसर को उत्पन्न करना, ठीक है। कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल स्पर्श करने वाली सामग्री को शामिल करना, ठीक है। तो ए सी और डी, ए सी और डी दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 76 पर, और 76 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथन पर विचार करना है, तो क्या है? यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, ठीक है। यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देती है, ठीक है। यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, गलत है। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है, ठीक है। तो ए बी और डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, तीसरा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 77 पर। 77 का राइट जवाब जानते हैं क्या होगा। कह रहा है अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? सामाजिक प्रक्रियाओं को खोज करने के उत्सुक, ठीक है। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, ठीक है। समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, ठीक है। विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले, गलत हो जाएगा। तो ए बी और सी आपका राइट जवाब हो जाएगा, आंसर दो हो जाएगा। 78 पर चलते हैं। कह रहा सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? 78 का राइट जवाब आपको देना है, ठीक है। चलिए कह रहा पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, ठीक है। एक कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, गलत है। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के लिए, ठीक है। एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए, गलत है। ए और सी आपका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन दो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 79 पर चलते हैं। कह रहा है विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए? 79 का आपको राइट जवाब देना है। कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दूरदर्शी होने के लिए, गलत है। समाज में यथास्थित बनाए रखने के लिए, गलत है। या समझने के लिए कि मुद्दे उनके खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हैं, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए
80 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, निम्नलिखित उदाहरण में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करिए जहां डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, गलत है। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है, गलत है। एक रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के खास समुदाय से आता है, गलत है। परितोष को बंगला अच्छी आती है, वह सोचता है वो हिंदी बोलती है। आपका राइट जवाब चौथा हो जाएगा। चलिए 81 पर चलते हैं, 81 का राइट जवाब ढूंढते हैं क्या होगा। एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडिला, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा शिलांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? बताइए 81 का राइट जवाब दीजिए। तो आप मिजोरम मेघालय गलत हो जाएगा, ठीक है, मणिपुर और सिक्किम गलत हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुरी तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 82 पर चलते हैं, कह रहा है सामाजिक विज्ञान की समसामायिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसे छोड़कर, किसे छोड़कर के आपको बताना है। शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभव को पढ़ने एवं स्वयं के अनुभव को खोजने के लिए, गलत है। प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे वे सभी बेहतर बन सके, तो ये आपका गलत है, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 83 पर चलते हैं, 83 का राइट जवाब ढूंढते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना, गलत है। सिर्फ लड़कियों को, गलत है। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन लड़कियों एवं लड़के दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना, ठीक है, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। 84 पर चलते हैं, कह रहा है सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक क्या है, आपको 84 का राइट जवाब देना है। अतीत की सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, गलत है। साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, ठीक है। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन, गलत है। स्रोतों के त्रिकोणीयन, ठीक है, ट्राइंगुलेशन को प्रमुखता देना सही, तो बी और डी आपका राइट जवाब तीसरा हो जाएगा। 85 पर चलते हैं और 85 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, ठीक है, कह रहा है कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थ की कहानियों के अंशों को शामिल करके, ठीक है, भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, ठीक है, सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों की कक्षा में चर्चा करें या उसको शामिल करें, ठीक है, कक्षा में दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर, ये गलत है। तो ABC आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। 86 पर चलते हैं, 86 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, ठीक है, इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे, ठीक है, इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करें, ये गलत हो जाएगा। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखें, ठीक है, ABD आपका राइट जवाब दूसरा हो जाएगा, याद रखिएगा। 87 पर चलते हैं, 87 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया, जीवन के मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। मौलिक अधिकार की बात आई है, मौलिक अधिकारों का वर्णन 12 से लेकर के 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक देखने को मिलता है। कुल कितने मौलिक अधिकार है, तो याद रखिएगा कुल 6 मौलिक अधिकार भारत में है। समानता का अधिकार है 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22,
शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25-28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचार का अधिकार है अनुच्छेद 32। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते हैं। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में पुस्तक लिखी, याद कर लीजिएगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी में विविधता में एकता शब्द का इन्होंने क्या किया, इस्तेमाल किया था, याद रखिएगा। ठीक है, बी आर अम्बेडकर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लीजिए। बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा गठित की गई मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी भी उसका नाम है, उसके अध्यक्ष थे। एम के गांधी के बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। इन्होंने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, याद रखिएगा, एम के गांधी की आत्मकथा क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन और दांडी मार्च भी क्या किया था, चलाया था, और भी बहुत सारे आंदोलनों को उन्होंने चलाया था। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, भारत के पहले राष्ट्रपति, और 1962 में इनको भारत रत्न भी मिला था, ये भी आपको याद रखना है। 89 पर चलते हैं, 89 क्या कह रहा है, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, न कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा 0, कोई भी नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। 90 क्या कह रहा है, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया था, लोकतंत्र हो गया था, याद रखिएगा, क्या हो गया था, लोकतंत्र हो गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, इसी के साथ आज आपके 30 और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को उन सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस प्रकार डेली आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास मिलने वाली है जहां आपको फुल एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।